सत्तू बनाकर के तैयार किए खाने जा रहे थे, उसी समय विश्वामित्र कोड़ी बन के आ गए। कहीं अंधा बन के आ जाते तो कहीं भिखारी बन के आ जाते हैं। भोजन ले गए, हरिश्चंद्र बोले भगवान तुमने मेरी किस्मत में भोजन नहीं लिखा, अब हम भोजन करेंगे नहीं। कालू मेहतरा गया हरिया, ये दिन पर दिन बड़े कमजोर होते जा रहे हो, कुछ खाते नहीं हो क्या? खाते हैं, अलको खाते हैं। खाता है फिर कहाँ ले जाता, घोटाला करता है क्या? खाते खाते पकड़ेगा घर ले जा, और नदिया से भर के जल्दी आना, हम खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, खाया तुम आज? हम चावल खाई जाए कौरा लग को तुम्हारी खाल खींचते हैं। फिर चलिए इधर से हरिश्चंद्र, उधर से रानी तारा। जाकर के जैसे कुंड के पास में पहुंची, हरिश्चंद्र ने रानी को देखा, रानी ने हरिश्चंद्र को देखा। महाराज आप? हरिश्चंद्र कहने लगी, रानी तारा मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि हर मुसीबत में तुम ही मेरे काम आई हो। रानी रानी हाँ महाराज, मेरे ऊपर एक एहसान कर दो। कैसा एहसान महाराज?
मेरी घड़ा को उठवा दो महाराज। क्षमा करना, क्यों घड़ा उठवाने की बात तो दूर, में आपका घड़ा छू भी नहीं सकती महाराज। क्या बात का महाराज? आपके हाथ में एक मैतर का घड़ा, हमारे हाथ में एक ब्राह्मण का घड़ा। अगर महाराज मैंने आपके घड़ा को छू लिया तो मेरा धर्म चला जाएगा, इसीलिए एक अकल बता रही हूँ। बताओ बताओ। छाती तक जल में घुस जाओ, सारा लगाना घड़ा उठ जाएगा, मैं तो जा रही हूँ। रानी तारा वहां से चली गई, महाराज छाती तक जल में घुस गए, ताकत लगाई। ए लोगो ए पीछे बैठो रे। छाती तक जल में घुस गई, ताकत लगाई।